जय हिंद दोस्तों, 11 मार्च 2024 को CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम अब अपने भारत देश में लागू कर दिया गया है। इससे पहले यह कानून 2019 में पारित किया गया था, जिसके बाद 2019-20 में देश में काफी प्रदर्शन भी हुए थे। ऐसे में आखिर क्या है CAA कानून, किसे और कैसे मिलेगी ये नागरिकता, CAA संसद से कब पारित हुआ था यह कानून, नए कानून में क्या प्रावधान किए गए हैं? दोस्तों, ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब को आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बताते हैं नागरिकता होती क्या है। नागरिकता एक ऐसा रिश्ता है जो किसी व्यक्ति और किसी देश के बीच बनता है। यह रिश्ता कुछ अधिकारों और कुछ जिम्मेदारियों के साथ आता है। नागरिकता से नागरिकों को देश के कानून और सुरक्षा व्यवस्था का संरक्षण मिलता है। नागरिकों को चुनने का अधिकार देश के नेताओं को होता है। नागरिक को सरकारी पदों पर काम करने के मौके मिलते हैं। दोस्तों, इसी नागरिकता को लेकर वर्ष 2016 के लोकसभा में एक बिल पेश किया जाता है, जिसका नाम था CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून। CAA बिल 8 जनवरी 2019 को लोकसभा द्वारा पास किया गया। यहां से यह बिल तो पास हो जाता है, लेकिन राज्यसभा में जाकर अटक जाता है। बाद में इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया। फिर 2019 में लोकसभा चुनाव आ गए। 2019 में फिर से बीजेपी की सरकार बनी। फिर दिसंबर 2019 में इसे लोकसभा में दोबारा पेश किया गया। इस बार ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों से पास हो गया। इसके बाद 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति द्वारा भी इसे मंजूरी मिल जाती है, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे लागू करने में देरी हो गई। इसके बाद अभी 11 मार्च 2024 को CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम को भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू करने की घोषणा की। इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत भारत के 3 पड़ोसी मुस्लिम देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन तीनों देशों के पीड़ित नागरिकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है। जो लोग 31 दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना के शिकार होकर भारत में आए हुए हैं, इसमें गैर मुस्लिम माइनॉरिटी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग भी शामिल हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में पहले से रह रहे मुस्लिम या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को CAA से कोई खतरा नहीं है। CAA लागू होने के बाद किसे नागरिकता देनी है और किसे नहीं देनी है, इसका पूरा पूरा अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए थे, केवल उन्हीं को यह नागरिकता दी जाएगी। CAA कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में पासपोर्ट और बिना वीजा के घुस आए हैं, या फिर वैध दस्तावेज के साथ भारत में आए हैं लेकिन तय अवधि से ज्यादा समय तक यहाँ रुक गए हों। भारत का संविधान पूरे भारत के लिए एक ही नागरिकता का प्रावधान करता है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में रहता है, चाहे वह किसी भी राज्य क्षेत्र से हो, उसे भारत का नागरिक माना जाता है। संविधान के आर्टिकल 11 के तहत संसद को नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने का अधिकार है। इसी अधिकार के तहत 1955 में नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। यह कानून बताता है कि कौन भारत का नागरिक बन सकता है और कैसे बन सकता है। 1987 तक भारत में जन्मे किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाता है, लेकिन बांग्लादेश से लोगों का अवैध तरीके से भारत में घुसने के कारण कानूनों में बदलाव किए गए। इसके बाद नागरिकता के लिए एक आवश्यक हो गया कि कम से कम माता पिता में से एक भारतीय हो। 2004 के कानून में फिर से बदलाव किया गया। अब नागरिकता के लिए आवश्यक हो गया कि माता पिता में से एक भारतीय हो, दूसरा माता पिता दूसरे देश से ना हो। दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारे CAA कानून के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।